नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में दिल से। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। राइट, जिनको नहीं पता, बेसिकली हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप नीचे लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड टैग कर सकते हो स्टोरी के माध्यम से। अगर आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली मुझे भी आपको बहुत खुशी होगी मेरी जो प्राइवेट क्लास होती है संडे वो देने में। ठीक है, तो आप प्लीज़ ये काम करिए, मैं आपके लिए प्राइवेट क्लास डेफिनेटली हर संडे जो बनाता हूँ वो आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। तो दोस्तों, बात करते हैं GTL इंफ्रा शेयर के बारे में। मात्र 1.40 रुपये का ये शेयर है, राइट। और बड़ी खबर तो ये है दोस्तों कि जितना हो सके स्टॉक को आपको पेलना है, सेल करना है। ठीक है, लगातार 6 महीने से मैं आई थिंक यही बात बोल रहा हूँ, पेलो जितना पेल सकते हो। ठीक है, अब जितना पैसा आपका इसमें बचा है भाई, पहले नीचे कमेंट करके अप्रिशिएट तो करो। अबे एक लाइक तो करते नहीं हो तुम, कम से कम कमेंट करके अप्रिशिएट कर दिया करो, मज़ा आता है कमेंट करके तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि फ्री की अप्रिसिएशन मिल जाती है, फ्री तो नहीं है यार, मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत भी क्या करिए, मतलब ठीक है जो चीज़ें आपको बताइए काम हो रही है। देखो, 1.60 रुपये था April 4 को, ये आज 1.40 रुपये है। और ये सब छोड़ो, 6 मंथ से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियोस बना रहा हूँ, 2.10 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज कहाँ ट्रेड कर रहा है 41 में। ठीक है, और ध्यान रखना एक और बात, ये स्टॉक कहाँ सजेस्ट किया था आपको, नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, 1 रुपये के भाव में ट्रेड कर रहा था, 1 रुपये के भाव में, और रिटर्न हमें ऑलमोस्ट 300-400% का रिटर्न आया था स्टॉक में, तो पैसा हमारा सब मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसी बातें नहीं हुआ है। ठीक है, और वीडियो बना रहा हूँ तो आपके हित के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोई यहाँ भला नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक पर्सनली मेरे अभी पोर्टफोलियो में नहीं है। तो अगर मैं बोल दूँ स्टॉक को बाय कर लो, प्राइस ऊपर भाग जाएगा तो मैं स्टॉक पील के निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में बाय करता भी नहीं हूँ कि भैया करोड़ क्वांटिटी बाय कर ली, 10 लाख क्वांटिटी बाय कर ली। ठीक है, मैंने जो चीज़ आपको बोल रखी है ना, ठीक है, मैं उसको फॉलो करता हूँ और डीपली फॉलो करता हूँ। ठीक है, कि अब एग्जाम्पल ले लो, 1 रुपये का शेयर है तो मैं कितनी क्वांटिटी बाय करूंगा, मैंने बहुत सिंपल लॉजिक बता रखा आपको, जो भी आपकी मंथली इनकम या जो आपकी कैपिटल है उसका 3-4% हिस्सा या 2% हिस्सा इन्वेस्ट करो, बस उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, इलॉजिक लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको लॉजिक में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वाले 6-1 साल में नहीं बोल रहा हूँ, अगले 30-40 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तब आपको समझ आएगा मैं क्या बातें करता था। ठीक है, तब आपको समझ आएगा, क्योंकि ये वीडियो अभी के लिए नहीं बनी है, और अभी मुझे पता है क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूँ अगले 30-25 सालों की बातें हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की मैं माला यहाँ पर बार बार लापते रहता हूँ, तो वही है भाई कि भैया स्ट्रैटेजी है, मैटर करती है, लेकिन मैटर क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, लालच को कंट्रोल करो कि कब स्टॉक को बाय और सेल करना पता होना चाहिए, आरएसए इंडिकेटर को फॉलो करो। ठीक है, स्टॉक सस्ता मिल रहा है इसका मतलब अच्छा है, ध्यान रखो, वहाँ पर आपको फंसाया जाता है, जहाँ चीज़ सस्ती होती है वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको साथ में मिला के परोसा भी जाता है। ठीक है, तो बाकी आपकी इच्छा, आपको क्या लेना है नहीं लेना। मेरे हिसाब से स्टॉक को बाय नहीं करना चाहिए आपको, लगातार लोग यहाँ पर देखो बाय कर रहे, 1.5 करोड़ शेयर अभी भी लोग घर लेके गए, और यहाँ पर देखो 1,90,000 शेयर लोग घर लेके गए, 58% की डिलीवरी इसमें उठाई गई है और 64% डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है। तो क्या मतलब सेंस बनता है क्यों स्टॉक को लोग घर लेके जा रहे हैं, एक रीज़न है कि हमारे यूट्यूबर जो है बहुत सारे दोस्त सिर्फ, उनको पता क्या लिखना आता है टाइटल में, GTL इंफ्रा में हुआ धमाका, रिलायंस, बजाज, ठीक है, और आपके टाटा, सब ने स्टॉक में खराब पैसा इन्वेस्ट किया। तो ये जब आप हाईलाइट लिखते हो ना तो लोग डेफिनेटली वहाँ अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट नहीं होते उसमें क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद उनको व्यूज़ आते हैं, सिंपल से लॉजिक है। तो व्यूज़ पाने के लिए वो ये सब चीज़ें लिखते हैं, टारगेट देते हैं इसके 100 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये जाएगा। ठीक है, तो भाई अब जाएगा तो वो तो भाई वक्त बताएगा, लेकिन देखो अभी का क्या सीन है, अभी ये स्टॉक अभी टूट रहा है, तो जो टूटता है तो वे उसी को समझ आता है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया हो, जिसने 2 रुपये के भाव में बाय कर रखा हो और अभी 1.5 रुपये चल रहा है, तो उसको पता चल रहा होगा कि भैया ये 1,000 रुपये कब जाएगा। ठीक है, ये उससे पूछना क्वेश्चन कि उसको कैसा फील होता होगा। इसलिए जो ये वीडियोस बनते हैं ना उसको ध्यानपूर्वक ना अंदर जाके थोड़ा रिसर्च मारा करो, देखा करो कि क्या बताया जा रहा है, वरना तो भाई आपकी लंका लगना तय है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा भाई। ठीक है, तो ये स्टॉक हो गया, बढ़ते दूसरा स्टॉक है, DNA मीडिया करके स्टॉक है, वो पैनी स्टॉक है आई थिंक, वो भी 2 रुपये के आसपास का, कितने रुपये के आसपास का है, और इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था 2 रुपये के आसपास का, इसके ऊपर वीडियो कब बनाया था, बहुत पहले बनाया था, ठीक है, बिलो आई थिंक 1 रुपये के आसपास बनाया था उसके ऊपर वीडियो। अब देखो ये जो स्टॉक है इसमें एक अच्छा, मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, देखो ये अच्छा लग क्यों रहा है, रीजन समझना, मैंने क्या बोला था कि कम से कम 8-9 महीने का एक टाइम पीरियड होना चाहिए। देखो ये स्टॉक ना लास्ट 8 महीने से देखो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो ये अब एक दूसरी वेव बना रहा है ऊपर जाने के लिए, समझ रहे हो,
तो ये चीज़ होता है, किसी पेनी स्टॉक को बाय करना तो ये सेटअप चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बाय कर सकते हो तो ये नहीं मतलब खुद जाओ, अभी नहीं खुदना है, समझो बात को। अगर मैं इसको बाय करता भी ना तो मेरा जो प्रॉपर स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1.70 रुपये का, मतलब मेरे पास स्टॉक में लगाने लायक स्टॉप लॉस है। मतलब मैं स्टॉक को 2 रुपये तक बाय करूंगा, 2.20-2.30 रुपये तक बाय करूंगा, ठीक है, और मैं लगाऊंगा 1.70 रुपये का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस में। तो ये होती है प्रॉपर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो सेटअप के साथ कर रहे हो, रूल्स के साथ कर रहे हो, ठीक है। अगर मान के चलो इसमें अगर आपको लॉस हो जाता है इस सेटअप, मतलब इस स्टॉक को बाय करने से इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में, तो आप दूसरे स्टॉक में सेम अगर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, सेम कॉन्सेप्ट के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे, तो पैसा मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा मुझे आप ही बताओ। होगा, आप बोलोगे सर डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस हुआ तो जिंदगी भर थोड़ा बार बार स्टॉप लॉस होते रहेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर मेरे पास एक सेटअप है, 8 महीने तक इस प्राइस अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आई कैन थिंक टू बाय दिस पेनी स्टॉक। लेकिन प्राइस क्या होना चाहिए वो मुझे तय करना है, मुझे निश्चित करना है। तो प्राइस जितना सस्ता मिलेगा, जितने आपके स्टॉप लॉस के पास मिलेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो मेरे हिसाब से 1.60-1.70 रुपये का आपका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉक में DNA मीडिया NSE का पेनी स्टॉक है, एंड यू कैन बाय दिस पेनी स्टॉक अराउंड 2 रुपी। अब कंपनी के फाइनेंशियल चेकआउट करना जरूरी है, तो देखो दो चीज़ें होती है। आप अगर आप बहुत प्रो टेक्निकल वाले बंदे हो तो मत करो भाई, जैसे मैं भी बहुत प्रो टेक्निकल हूँ, मैं सिर्फ अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ, और प्राइस एक्शन देखता हूँ, टारगेट लगाता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ, भूल जाता हूँ, ये मैं काम करता हूँ मोस्टली। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा देखना है तो ज़्यादा कुछ टीम मत जाओ, सिंपल सा कुछ चीज़ें ढूंढ लो जो आपको लॉजिकल लगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो आपको बोले कि हाँ स्टॉक में पैसा लगाया जा सकता है, ठीक है। आपको अपने आप को बनाना अंत में कि भैया मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना है स्टॉक में। देखो यहाँ पर आपको हर चीज़ नेगेटिव दिखेगा, ठीक है। प्लेज होल्डिंग है, ROC नेगेटिव है, बुक वैल्यू नेगेटिव है, डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, कहाँ से देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी है, यहाँ पर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। लॉस मेकिंग कंपनी होगी, देखो लगातार लॉस हो रहा है, ठीक है। ईयरली प्रॉफिट कहाँ से होंगे, लॉस ही हो रहा होगा। अब शेयरिंग पैटर्न देख लेते हैं, तो शेयरिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर 62% है, ठीक है। एंड हमारे जो पब्लिक है उनकी होल्डिंग स्टॉक में आई थिंक कितनी परसेंट है, 32% के आसपास है, ठीक है। और रिटेल का देखो यहाँ पर मोटा मोटी 25% के आसपास की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है, 25-24% के आसपास, ठीक है। तो देखो प्रमोटर्स के यहाँ पर 62% के आसपास की हिस्सेदारी है। अब इसमें से देखो मात्र 12% के आसपास आपका क्या प्लेज है, तो ध्यान रखना इसमें मोटा मोटी ना 75% पैसा लगा, बड़ा पैसा 75% बड़ा पैसा लगा है, जो मैंने बड़े जिनकी होल्डिंग 1% से ऊपर है उनको मैंने बड़ा मान लिया है, मतलब पब्लिक नहीं माना है उसको, उनको मैंने प्रमोटर मान लिया है। तो 75% का बड़ा पैसा लगा है, तो 75 में से 12% तो माइनस कर दो, मतलब प्लेज हो रखा है। अब प्लेज का मतलब ये नहीं घटिया है, प्लेज का मतलब है गिरवी रखे गए शेयर बस, ठीक है। तो इसमें मोटा मोटी 60% शेयर इनके अभी अनप्लेज है, मतलब प्रमोटर्स का फेथ है, बिलीव है 60% प्रमोटर्स का। तो 60% प्रमोटर्स अच्छा नंबर है या बेकार नंबर है आउट ऑफ 100, आप मुझे ये बता दो आप पहले। तो कोई बच्चा बोलेगा 60% इट मीन्स एवरेज है, ठीक है। तो बस सिंपल है, लॉजिक मिल गया हमें, वी हैव अ लॉजिक To invest या to buy this penny stock। अब ये लॉजिक काम करेगा, अभी आप अपने आप से पूछो, अगर आपने रिसर्च कर रखी है तो करेगा। अब मैं आपको अपना बता देता हूँ, मेरे हिसाब से लॉजिक काम करता है, और मैंने बहुत सारे स्टॉक इसी बेसिस में बाय करे है, पैसा बना है। और ये स्टॉक जब बहुत सस्ते में ट्रेड कर रहा था तो यही लॉजिक मैंने आपके साथ शेयर किया था उस समय, क्योंकि आप लोग वीडियोज पूरा देखते नहीं हो, ठीक है। अब लॉजिक को समझाने का तरीका अलग होगा, हो सकता है कि मैंने उस पॉइंट को समझाने में टाइम थोड़ा कम दिया होगा, जैसे इसमें तो मैंने टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया इसी लॉजिक को समझाने में, है ना, समझाया तरीके से, लेकिन उस समय थोड़ा कम दिया होगा, बातें सिर्फ एक ही फ्लो में बोल दी होगी, ठीक है। तो समझो, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते जो आपको बेनिफिट देने वाले हैं। तो लॉजिक समझ आ गया, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना समझ आ गया, SL कहाँ लगाना समझ आ गया, बस यही चाहिए होता, यही चाहिए होता पेनी स्टॉक में, और कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है। पेनी स्टॉक को ये ढूंढने जाओगे ना, बुक वैल्यू सस्ती, मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, ठीक है, फ्यूचर में ये बड़ा प्लान है इसके, कंपनी के इतने बड़े बड़े प्लान है। अरे भाई किस बात के प्लान, 2 रुपये का स्टॉक चल रहा है, किस बात के प्लान की बात कर रहे हो, ठीक है। ये प्लान की बात की जाती है बड़े बड़े स्टॉक्स की, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये का जो स्टॉक होता है उसके प्लान की बात की जाती है, उसकी हमारी उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट पड़ी जाती है। इस 2 रुपये के शेयर में घंटा फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने लॉजिक से अपना दिमाग लगाना, अपना लॉजिक लगाना है। मैंने आपको अपनी लॉजिक बतला दिया, ये लॉजिक काम करते हैं, अगर नहीं करते तो नीचे कमेंट करके कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, बंद नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, और चीज़ें बताइए उसको फॉलो करो, ठीक है। नेगेटिव हो रहा हूँ स्टॉक के बारे में, आई नो, लेकिन जो चीज़ रियलिटी है वो बता रहा हूँ आपको, बाकी आपकी इच्छा। आपको अच्छा लगता है वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट पक्का कर देना। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस।